नमस्कार बच्चों बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का अध्याय 11 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखिका है महादेवी वर्मा, अध्याय का नाम भक्तिन। बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता और मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। शुरू करें बच्चों। ये है लेखिका महादेवी वर्मा, इनका परिचय। महादेवी जी का जन्म सन 1907 में हुआ। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला है। महादेवी जी ने देश में नारी शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत योगदान दिया तथा इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। सितंबर 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि है। महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाठ का सार बच्चों, भक्तिन पाठ इनके प्रसिद्ध रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं में से लिया गया है। भक्तिन एक औरत का नाम है जो छोटे कद व दुबले शरीर की झूसी गांव में रहने वाली स्त्री थी। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी, अर्थात उसका नाम लक्ष्मी था परंतु वह गरीब थी। उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा होगा। लक्ष्मी अर्थात भक्तिन का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था। भक्तिन की शादी 5 वर्ष की आयु में तथा गोना अर्थात अपने पति के घर भेजना 9 वर्ष की आयु में ही हंडिया गांव के गोपालक के छोटे पुत्र के साथ करा दिया गया था। सौतेली माँ को यह डर हमेशा सताता रहता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं
सारी जायदाद उसके नाम ही ना कर दे। इसलिए पिता की मृत्यु की सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। यह दुखद समाचार उसे मायके आकर मिला। लक्ष्मी के तीन बेटियां थी। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत भक्तिन के पति का देहांत हो गया। अपनी बेटियों का विवाह भी उसने कम उम्र में ही कर दिया। जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था। इसलिए लक्ष्मी ने अपने बड़े दामाद अर्थात अपनी बड़ी बेटी के पति को घर जमाई बना लिया था, परंतु भाग्य ने यहां भी साथ नहीं दिया। उसका कुछ दिनों बाद ही निधन हो गया। भक्तिन की संपत्ति पाने के उद्देश्य से बड़े जेठ का लड़का अर्थात उसके पति के बड़े भाई का लड़का अपने साले अर्थात अपनी पत्नी के भाई से उसकी बड़ी बेटी की विवाह करवाना चाहता था, परंतु लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया। इसलिए भक्तिन वह बेटी को अनेक शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसने भक्तिन की बेटी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, परंतु भक्तिन ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मामला पंचायत तक पहुंचा। पंचायत ने दोनों को पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया। मजबूरी में यह निर्णय उन्हें मानना पड़ा, किंतु अब घर में गरीबी रहने लगी। जमींदार ने भक्तिन को लगान खेत का कर ना चुका पाने के कारण दिन भर धूप में खड़ा रखा। यह अपमान भक्तिन सहन नहीं कर सकी और पैसे कमाने के उद्देश्य से शहर आ गई।
अर्थात गांव छोड़ दिया, शहर में भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा के पास रहकर उसके घर का काम आदि करने लगी। सुबह भक्तिन नहाकर लेखिका की धुली हुई धोती पहनकर सूर्य एवं पीपल को अर्घ्य देती थी, अर्थात जल चढ़ाती थी, फिर खाना बनाती थी। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती थी, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं थी, अर्थात वह अपने रीति रिवाज, अपनी आदतें नहीं बदलती थी। वह गांव की तरह लेखिका को ओए कहकर ही बुलाती थी। लेखिका जब रुपये इधर उधर रख देती, तब भक्तिन उन पैसों को इकट्ठा करके एक मटकी में डाल देती थी। एक बार भक्तिन ने अपना सिर मुंडवा लिया। सिर मुंडवाने की बात पर उसने लेखिका से कहा कि सिद्ध अर्थात बड़े महात्मा ज्ञानी संत सिर मुंडवाकर ही तीर्थ जाते हैं, अर्थात मंदिरों में घूमने जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने यह कहकर टाल दिया कि वह पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा, अर्थात घर के काम कौन करेगा। इन दोनों के बीच अर्थात भक्तिन और लेखिका के बीच स्वामी और सेविका का संबंध नहीं था, दोनों के बीच आत्मिक संबंध अर्थात आपसी प्रेम विकसित हो गए थे। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी ताकि लेखिका को आवश्यकता पड़ने पर वह उसकी मदद कर सके। भक्तिन की बेटी और बेटी का पति दामाद जब उसे बुलाने आए तो भक्तिन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। लेखिका के सामने भक्तिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया था। भक्तिन लेखिका पर अपना सब कुछ लुटाने को अर्थात छोड़ने को तैयार थी। इस प्रकार लेखिका
और भक्तिन दोनों के बीच बहुत प्रेम था। भक्तिन भी लेखिका को अपनी बहन के समान मानती थी तथा लेखिका भी उसे नौकर नहीं समझकर अपने घर का सदस्य मानती थी। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार, जिसमें लेखिका ने भक्तिन के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।